आज मसाला किचन में बन रहा है एक त्योहारों का स्पेशल बटर स्कॉच केक। बटर स्कॉच केक सुनते ही सभी के मुंह में पानी आता है। जिस तरीके से यही फ्लेवर में आइसक्रीम बहुत पसंद आती है, शेक बहुत पसंद आता है, उसी तरीके से केक भी बहुत अमेजिंग होता है। केक आपने मेरे साथ बहुत सारे बनाए होंगे, कई बार आपका रिजल्ट परफेक्ट आया होगा, कई बार बिगड़ भी जाती है चीज़, लेकिन घबराए नहीं, हमेशा इसी तरीके से बने रहिए। अगर केक खाना है परफेक्ट, आज का जो केक बनेगा वो है बटर स्कॉच केक। चाहिए क्या इसके लिए वो देख लेते हैं। सबसे पहला इंग्रेडिएंट मैं ले रही हूँ यहाँ पर दूध। नॉर्मल जो दूध होता है घर में पहले से उबला हुआ, वही दूध चाहिए, रूम टेम्परेचर वाला। 3/4 कप करीब दूध है और वैसे देखेंगे तो 100 ml के आसपास दूध है। अब इसमें डाल रही हूँ 1 teaspoon विनेगर और ढककर इसे अलग रख देती हूँ। विनेगर बाई चांस आपके पास नहीं हो तो आधा चम्मच आप नींबू का रस डाल सकते हैं, वैसे विनेगर डालेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अब जब तक 10 मिनट होने दें तब तक हम केक टिन को तैयार कर लेते हैं। और क्योंकि हम इसे अवन में नहीं बना रहे तो मैंने इसे एक कढ़ाई या कुकर कुछ भी आप रख दीजिए फ्लेम पर, गर्म होने के लिए, प्री हीट होने के लिए। केक टिन में आप ग्रीस कर लीजिए और नीचे बटर पेपर लगा लीजिए। बटर पेपर नहीं हो तो आपको पता ही है क्या करना है, मैदा लगाना है। मैदा नहीं लगाना है, बटर पेपर ही चाहिए, तो आप खुद बना लीजिए बटर पेपर घर में। मैंने तो आपको बताया है, मैं ये कैसे करूँ चैनल पर। 10 मिनट हो गए हैं, अब उस दूध को हम मिक्स कर रहे हैं। आप देख रहे हैं पूरी तरीके से नहीं फटा, लेकिन कैसा लग रहा है वो, बिल्कुल हल्का हल्का, थोड़े लम्स आ गए उसमें। अब हम इसमें ले रहे हैं 1/2 कप पिसी हुई चीनी। दूध के अंदर 1/2 कप पिसी हुई चीनी डालने के बाद उसे थोड़ा और मिक्स करेंगे। 1/4 कप हम डालेंगे रिफाइंड ऑयल, जिसमें कोई भी फ्लेवर ना हो, जैसे पीनट ऑयल नहीं चाहिए, सरसों का ऑयल नहीं चाहिए, नॉर्मल ऑयल चाहिए, सफोला या जो भी आप यूज़ करते हैं। नहीं ले सकते तो शुद्ध घी को मेल्ट करके ले सकते हैं, बटर को भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने डाल दिया बटर स्कॉच एसेंस, क्योंकि हम बटर स्कॉच बना रहे हैं तो एसेंस डालेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। सबको मिक्स करने के बाद एक ले रही हूँ मैं छन्नी, उसमें डाल रही हूँ 1 कप मैदा, उसे मैं छान लेती हूँ। अब इसी में मैं 1/4 कप मैदा और डाल रही हूँ, मतलब टोटल मैदा हमें चाहिए 1 cup and 1/4 cup। यहाँ ले रही हूँ 4 tablespoons मिल्क पाउडर, ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है, आप स्किप कर सकते हो, पर डालेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। सूखा दूध, सारी चीज़ों को मैं इस तरीके से छान लेती हूँ। अब सबको मिक्स कर लीजिए। त्योहारों के समय यदि हमें मन करे कि घर में किसी का बर्थडे है, कोई ओकेजन है, तो हम केक बनाएं, तो ये केक आपका फटाफट बनने वाला है। सबको मिक्स कर दीजिए। इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक है, थोड़ा सा हम येलो कलर डाल रहे हैं क्योंकि बटर स्कॉच का जो कलर होता है हल्का सा येलो होता है। अब इसमें 1/4 cup हम धीरे धीरे दूध और डालेंगे इसकी कंसिस्टेंसी ठीक करने के लिए। आप सोच रहे होंगे बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा कुछ भी नहीं डाला, फिर केक कैसे बन रहा है? डाल रहे हैं जी, अभी डाल रहे हैं। इसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट हो जाए फिर डालेंगे। लीजिए आ गई बारी बेकिंग पाउडर की, क्योंकि ये चीज़ बेक होती है। 1 teaspoon हम भर के डाल रहे हैं बेकिंग पाउडर, 1/4 teaspoon डाल रहे हैं बेकिंग सोडा। कोई दही नहीं डालनी, कोई कंडेंस मिल्क नहीं डालना, सिंपल सा है ये केक, बहुत ही परफेक्ट बनने वाला। अगर आपको नॉर्मल ही ये केक बनाना है आइसिंग के बिना, तब भी ये परफेक्ट लगेगा आपको टी टाइम के टाइम। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट है ना। अब ये पूरा जो मिश्रण है हम केक टिन में डाल देते हैं। हमेशा जब भी आप केक बनाएं उससे पहले टिन तैयार रखें और प्रीहीट कर दें, चाहे आप ओवन में बनाएं या गैस पे बनाएं। इसे 2-3 बार से इसी तरीके से टैप कर लीजिए। टैप करने से होगा क्या, जो अंदर हवा होती है ना वो निकल जाती है, उससे आपका केक परफेक्ट बनता है। मैंने केक को गैस पर रख दिया है, ये देखिए 1/2 मिनट के बाद मैंने उसकी फ्लेम को स्लो कर दिया। मैं 10 मिनट बाद आपको दिखा रही हूँ केक राइज होना शुरू हो गया है। यहाँ पर मैं 25 मिनट बाद आपको टूथपिक से दिखा रही हूँ तो थोड़ी सी उसमें कसर है, 5 मिनट में और रख देती हूँ। लीजिए अब पूरे 30 मिनट हो चुके हैं, केक बिल्कुल परफेक्ट बन गया है, इसे हम निकाल लेते हैं। अभी हमें डीमोल्ड नहीं करना है, अभी हमें निकालना है बाहर। 1/2 घंटे बाद मैं इसे स्क्रैप करके इस केक को निकाल लेती हूँ जब ये ठंडा हो गया।
ये देखिए जी, परफेक्ट केक बन चुका है। सब तरफ से बढ़िया सी सिकाई हुई है और ये देखिए कितना बढ़िया केक बन गया है। जो लोग अभी भी यही सोचते हैं ना कि बिना ओवन के केक नहीं बन सकता, वो बिल्कुल गलती कर रहे हैं। ये देखिए, कोई ओवन नहीं है, कोई माइक्रोवेव का कन्वेक्शन नहीं है, आपके नॉर्मल गैस पर ये परफेक्ट केक बनकर तैयार हुआ है। अगर कुछ चेरी वगैरह डाल देते तो यहाँ पर शाम के टाइम चाय के साथ सर्व भी कर सकते थे, पर मैं अभी इसकी आइसिंग करने वाली हूँ ना, तो चलिए अब हम इसको कट करते हैं। ये देखिए अंदर से भी कितना बढ़िया स्पॉन्ज इसका आया है। ये देखिए, दो लेयर मैंने ले ली है क्योंकि छोटे से 6 इंच के टिन में हमने केक बनाया था, तो हमें बहुत ज़्यादा बड़ा तो था नहीं, तो इसलिए मैंने इसको रख दिया। अब इसे थोड़ा ठंडा कर दीजिए। ठंडा करने के बाद अब मैं इसकी चिक्की बना रही हूँ, क्योंकि जो बटर स्कॉच चिक्की होती है उसे बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें आधा कप डाल दी चीनी। अब चीनी को हमें मेल्ट करना है। मीडियम फ्लेम रखिए, भले ही कुछ ज़्यादा टाइम लग जाए लेकिन फुल फ्लेम पे आपको नहीं करना है। चीनी मेल्ट होना शुरू हो गई है, हमें आधा कप ही चाहिए ड्राई फ्रूट। चाहे तो ड्राई फ्रूट आप 3-4 मिलाकर लीजिए, जैसे पिस्ता, बादाम, अखरोट और काजू। चाहे तो सिर्फ काजू लीजिए, चाहे तो सिर्फ बादाम लीजिए, सिर्फ अखरोट लीजिए, ये सारी चॉइस आपके ऊपर है। कम डालना चाहे, ज़्यादा डालना चाहे, कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप पीनट भी डालेंगे ना, तब भी ये परफेक्ट केक बनेगा। पीनट का बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है इस केक के अंदर। एक थाली में या किसी भी प्लेट में थोड़ा सा ऑयल जरूर लगा लीजिए। यहाँ देखिए, मैंने काजू और बादाम ली हैं और उन्हें मैंने हाफ हाफ कट कर लिया है। जब आपका ये गोल्डन कलर का चीनी हो जाए तभी आप ड्राई फ्रूट डालें, पहले बिल्कुल ना डालें। ये देखिए, अब ड्राई फ्रूट के साथ एक बार और चला लें। अभी भी बारिश कहीं कहीं आ रही है, तो चिक्की बना के छोड़ ना दें। जब भी आप केक की आइसिंग करें, आधा घंटा पहले ही चिक्की बनाएं। अब मैंने गैस की फ्लेम बंद कर दी है और ये कढ़ाई वाला पूरा मिश्रण उस प्लेट में, ऑयल लगी प्लेट में डाल रही हूँ। ड्राई फ्रूट की परफेक्ट चिक्की कैसे बनाई जाती है वो मैंने रेसिपी आपको दी है, लेकिन अभी ट्राई मत कीजिएगा। बारिश ख़त्म होने के बाद ही कोई चिक्की बनाइए, तभी आपकी चिक्की परफेक्ट बनेगी। चलिए, अब चिक्की को थोड़ा आधा घंटा रखना पड़ेगा, जब तक कि वो सेट हो तब तक हम क्रीम को फेंट लेते हैं। हमें जल्दी जल्दी और भी तो काम करने हैं ना। सबसे पहले व्हिप्ड क्रीम को हमें फ्रीज़र में रखना होता है। जब वो फ्रीज़र में जमी रहती है, जब हमें चाहिए बस उसे निकालिए। थोड़ी देर आप फ्रिज में रख सकते हैं या बाहर भी रख सकते हैं। रूम टेम्परेचर पर आने के बाद उसे जितनी आपको चाहिए, जैसे 1 कप चाहिए, उसे बोल में डालिए और बीट करना शुरू कीजिए। फिर देखिए, ना तो कोई बर्फ़ रखने की ज़रूरत, ना कोई टेंशन, और कम से कम ये 2 से 2.5 कप ये व्हिप क्रीम हो जाती है। कई मेरे व्यूअर्स कहते हैं ना कि हमारी क्रीम मेल्ट क्यों हो जाती है, वो क्या करते हैं, जमी हुई फ्रीजर से निकाल के और उसे बीट करना शुरू कर देते हैं, तो क्रीम को रूम टेम्परेचर की आदत ही नहीं होती है, तो इसलिए वो मेल्ट होती जाती है। तो आपको पहले रूम टेम्परेचर पर रखना है, उसके बाद उसको बीट करना है। कोई आइस वगैरह रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी क्रीम मीठी है तब तो चीनी भी डालने की ज़रूरत नहीं है, अगर मीठी नहीं है तो आप चीनी डाल सकते हैं। मेरे पास जो ट्रोपोलाइट की क्रीम है वो मीठी होती है, तो मेरे यहाँ वही मिलती है, तो मैं तो वही यूज़ करती हूँ। आपने देखा, 1 कप क्रीम से कम 2.5 से 3 कप ये क्रीम व्हिप्ड हो चुकी है और परफेक्ट व्हिप्ड हुई है। ये चिक्की भी हमारी सेट हो गई है। चिक्की को हम निकाल लेते हैं। अब चाहें तो 2-3 पीस आप निकाल के अलग रख दीजिए, बाकी चिक्की को आप क्रश कर लीजिए। चाहे तो बेलन से कर दीजिए, चाहे तो खलबत्ते से कर लीजिए, चाहे तो मिक्सी के ग्राइंडर में कर दीजिए। थोड़े दाने बस मोटे होने चाहिए। अब मैंने इस पेपर में डाल दिए चिक्की को, अब आराम से कूट रही हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो इसी तरीके से कोई लिफाफे में, पॉलीथिन के अंदर, किसी में भी आप इस तरीके से बना सकते हैं। लीजिए, ये परफेक्ट हमें जैसी चाहिए थी वैसी तैयार हो गई है। अब हम बना रहे हैं एक शुगर सिरप, क्योंकि केक को हमें मॉइस्ट रखने के लिए, उसे हल्का सॉफ्ट स्पॉन्जी करने के लिए, स्पॉन्जी तो है पर उसे थोड़ा गीला करने के लिए, यूं कहिए हमें थोड़ा सा शुगर सिरप चाहिए। तो हमें चाशनी नहीं बनानी, हल्का गुनगुना पानी ले लिया है 1/2 कप और उसमें पिसी हुई चीनी डाल दी मैंने 1 चम्मच। यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, अब इसे टर्न टेबल पर रखना होता है इस केक की आइसिंग करने के लिए। पर अगर आपके पास टर्न टेबल भी नहीं है
तो आज का जो केक है ना, बिना नोजल के है, बिना कोन के है, बिना टर्न टेबल के है, है ना, बहुत ही परफेक्ट। एक कोई पतीला ले लीजिए, उसके ऊपर आप रखिए ये बोर्ड जिस पर हम केक रखने वाले हैं। अगर आपके पास बोर्ड नहीं है तो कोई प्लेट रख लीजिए, बस उसके ऊपर रख दीजिए केक का स्लाइस एक, उसके ऊपर थोड़ा सा शुगर सिरप ये डाल दीजिए। अब डालिए क्रीम, क्रीम काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में डालिए जिससे बहुत ही बढ़िया लगे। अब ये जो चिक्की बनाई थी ना, थोड़ी सी आप अंदर भी डाल दीजिए। अब जो दूसरा पार्ट है केक का, उसके ऊपर भी क्रीम लगाइए और उसे उल्टा करके इस तरीके से रखिए। ये देखिए, इससे क्या होता है, केक की ऊंचाई भी बढ़ जाती है और बहुत ही बढ़िया लगता है। अब ऊपर का पोर्शन है ना जो, उस पर भी आप थोड़ा सा शुगर सिरप डाल दीजिए। अब सब तरफ से आप क्रीम लगाइए, बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए कि बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत ही सिंपल सा केक है, इस तरीके से नाइफ से या फनर से, आप इस तरीके से स्पैचुला से हर तरफ से आप क्रीम लगा लीजिए। थोड़ा अनइक्वल है तब भी चलेगा। ये देखिए, अब फटाफट से सब तरफ से क्रीम लगा लीजिए और नीचे भी उसकी सफाई कर दीजिए, जो एक्स्ट्रा क्रीम लग रही है उसे हटा दीजिए। ये देखिए, पतीले पे मैंने थोड़ी सी क्रीम लगाई थी जिससे वो बिल्कुल भी हिला भी नहीं। अब बारी आती है इसे बटर स्कॉच जो हमने चिक्की बनाई है उसे सब तरफ से लगाने की, साइडों से भी लगाइए और ऊपर भी लगाइए। यूं तो ये केक बिल्कुल परफेक्ट तैयार है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर आपके पास वेफर बिस्किट हैं या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप उसे यूज़ करना चाहते हैं, तो इस तरीके से बीच में कट करके नाइफ से इस तरीके से आप सर्व कर सकते हैं। और चिक्की के पीस जो हमने बचा के रखे थे ना, उन्हें भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। है ना बड़ा अमेजिंग सा केक, और कितना सिंपल है ये देखिए, हमने कोई चीज़ें यूज़ नहीं की है, जो आपके घर में है बस वही चीज़ों को आप यूज़ कीजिए। बस इसे कब बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए। आपका मन करे तो ऊपर से थोड़ी सी पिस्ते की कतरन जरूर लगाइए। एक और बात, मैं आपको कट करके भी दिखा रही हूँ, कितना सॉफ्ट है और कितना अच्छा लग रहा है, अंदर से भी बहुत ही बढ़िया लग रहा है। लीजिए, तैयार है सुपर सॉफ्ट स्पॉन्जी बटर स्कॉच केक। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी नहीं।